नमस्ते एंड वेलकम बैक टू वंडर जॉय। आई होप आपको हमारा पार्ट वन मैसूर सीरीज का अच्छा लगा होगा। अगर आपने नहीं चेक किया है तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में जाके हमने एक लिंक दिया हुआ है, उसे चेक कर लीजिए। आज हम लोग एक बहुत स्पेशल जगह जा रहे हैं जो मैसूर से 50 किलोमीटर्स और बैंगलोर से नियरली 150 किलोमीटर्स दूर है। ये जगह है होसहरलू। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। बैंगलोर से होसहरलू जर्नी काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आप बैंगलोर मैसूर एक्सप्रेसवे पकड़ सकते हैं और श्रीरंगपटना पे एग्जिट कर सकते हैं। इसके बाद आपको सिर्फ कृष्णराजपेट तक ड्राइव करना है, जहाँ पे आपको श्री लक्ष्मी नारायण स्वामी टेम्पल मिल जाएगा। हम लोग पहुंच चुके हैं श्री लक्ष्मी नारायण स्वामी टेम्पल। कहते हैं कि यह मंदिर होयसला एम्पायर के समय में 1250 एडी में बनाया गया था। मंदिर में कई सारे हिडन जेम्स हैं, जैसे ये छोटे से हनुमान जी। हम लोग मंदिर 12 बजे पहुंचे। भगवान जी के दर्शन करने के बाद हम लोग बाहर आ चुके थे। बाहर हमारे गाइड हमें समझा रहे थे कि करीब 4.5 मीटर का एक प्लेटफॉर्म है। हमारे गाइड पहले हमें बता रहे हैं कि ये टेम्पल एक त्रिकुट विमान मतलब तीन श्राइन वाला मंदिर है, जिसके सिर्फ सेंटर वाला श्राइन अब बचा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एलिफेंट्स को डेकोरेटिव पीस की तरह यूज़ किया गया है। हमारे गाइड के राइट साइड में आपको दिखेगा कि 6 लेयर्स ऑफ डिज़ाइन है जो सोप स्टोन पे कार्व किया गया है। ये लेयर्स नीचे से हाथी घोड़ा लीफ और ये जो फोर्थ लेयर है यहाँ पे रामायण महाभारत की गाथा दिखाई गई है। उसके बाद यहाँ पे एक मिथिकल क्रिएचर है जिसका क्रोकोडाइल माउथ, मंकी आईज, पीकॉक फेदर्स, लायन लेग्स एंड एलिफेंट बॉडी है और इसके ऊपर है पीकॉक। भागवत पुराण से प्रहलाद और हिरण्यकश्यप का स्टोरी दिखाया है। लास्ट में आप देख सकते हैं कि प्रहलाद आग में बैठे हुए हैं और भगवान विष्णु का तपस्या कर रहे हैं। अब यहाँ जो आप देख रहे हैं ये है समुद्र मंथन, जो विष्णु पुराण का पाठ है। देवताओं और असुरों के बीच मंथन में शेषनाग के भाई वासुकी रस्सी का काम कर रहे हैं और विष्णु भगवान कूर्म रूप में मंदराचल पहाड़ को अपने ऊपर रखे दिखाए गए हैं। यहाँ पर भगवान कृष्ण का जन्म का पूरा डिपिक्शन है। सबसे पहले ये जो दिखा रहे हैं वो वासुदेव भगवान जी को बास्केट में जब लेके प्रिजन के बाहर जाते हैं और उन्हें डोंकी दिखता है तो ये वही इंडिकेट कर रहा है। और उसके बाद पूरा डिपिक्शन है बर्थ का।
माता सीता और भगवान राम जी का यहाँ पे विवाह दिखाया है और ये पूरा रामायण का डिपिक्शन है। ये पूरे कार्विंग को इतने खूबसूरती से किया गया है, सारे डिटेल्स अभी भी क्लियरली दिखते हैं। यहाँ कुछ औरतों को दिखाया है जो मेकअप कर रही हैं और वो अपने आप को ज्वेलरी से अडोन की हुई हैं, और एक औरत के हाथ में मिरर भी दिखाया गया है। यहाँ पर इंद्र भगवान को शची और ऐरावत के साथ दिखाया है। यहाँ पे कृष्ण भगवान को गोवर्धन पर्वत को उठाते हुए दिखाया गया है। ये महाभारत के युद्ध का डिपिक्शन लग रहा है। हम लोग ने ईजली 2-3 घंटे ये मंदिर में स्पेंड किया। अब हम लोग वापस जा रहे हैं मैसूर और उसके बाद 2-2.5 घंटे ड्राइव बैक टू बैंगलोर। होसाहोल्लू का श्री लक्ष्मी नारायण स्वामी टेम्पल इज अ मस्ट विजिट फॉर हिस्ट्री लवर्स। आज हम लोगों को बहुत मज़ा आया। आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा हमें प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और अगर आपको इनमें से कोई भी स्टोरी पता हो तो प्लीज़ लेट अस नो। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।